हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पीजीटी कॉमर्स का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि हुआ था 22 फरवरी 2015 को। ये इसका पार्ट 6 है। इससे पहले मैं 5 पार्ट प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन होते हैं, ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें और आप उसके साथ साथ और भी क्वेश्चन तैयार कर पाएं अपने। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इससे पहले 50 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आज का, गिवन फिक्स्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आर ₹5 लाख, फिक्स्ड असेट ₹12 लाख एंड कैपिटल ₹8,50,000, करेंट लाइबिलिटीज दी हुई है हमें ₹2,50,000 एंड करेंट असेट ऑफ ₹4 लाख, और बोल रहे कैलकुलेट द सॉल्वेंसी रेशियो। तो हमें सारी चीज़ें दी हुई हैं जो हमें चाहिए यहाँ पे, और हमें सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करना है। ऑप्शन हैं आपके पास 5:12, 5:16, 15:17 या फिर 10:20। तो अपना यहाँ पे आंसर चूज कीजिए, देन यहाँ से आप आंसर मैच करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे बेसिकली सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है कि जो फर्म की कैपेबिलिटी है या फर्म की एबिलिटी है उसकी लाइबिलिटीज़ को मीट करने की, उसको हम कंसीडर करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर। ओके, और सॉल्वेंसी रेशियो के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, लाइक आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो हो गया, या फिर टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो हो गया, या फिर आपका प्रोप्राइटरी रेशियो हो गया। तो ये सारे आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर। ओके, अब इन्होंने इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियरली नहीं बोला कि कौन सा सॉल्वेंसी रेशियो हमें निकालना है, लेकिन सॉल्वेंसी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब कुछ भी नहीं बोला जाए आपसे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, आपका जितना भी टोटल डेप्ट है क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ओके, उससे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो टोटल डेप्ट हमारा कितना है, देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितनी है 5 लाख की, तो 5 लाख प्लस हमारी और भी लाइबिलिटीज दी हुई है हमें करेंट लाइबिलिटीज, ये कितनी है 2,50,000 की। ओके, अपॉन में हमारी इक्विटी, और इक्विटी कैपिटल हमें कितने की दी हुई है 8,50,000 की, राइट। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15:17, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब एक चीज़ और समझ लो यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसने बोला होता सिर्फ डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो के अंदर हमेशा हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को कंसीडर करते हैं, यानी कि हम सिर्फ फिर 5 लाख वाला अमाउंट कंसीडर करते हैं, करेंट लाइबिलिटी हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। डेप्ट इक्विटी रेशियो का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ओके, अब यहाँ पे इसने सिर्फ सॉल्वेंसी रेशियो बोला था, तो हमने टोटल डेप्ट ले लिया और अपॉन में इक्विटी ले लिया। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन, इनमें से कौन सी इक्वेशन है, या बोले तो अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो ऑप्शन है एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी, या फिर एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी माइनस कैपिटल, या फिर एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, या फिर नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो आई होप आप सभी को पता होगा जो हमारी करेक्ट इक्वेशन है ये है एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इस फॉर्मूले से आपके और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी ये डायरेक्ट नहीं दे देता, ऐसे बोल देगा कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट माइनस लाइबिलिटी, या फिर लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू असेट माइनस कैपिटल। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि ये साइड भी चेंज कर सकता है, इसी सेम इक्वेशन को घुमा फिरा के आपसे बार बार पूछ सकता है। ओके, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज All the following are the example of the fixed cost except, सभी fixed cost के example हैं केवल एक को छोड़कर। अब वो एक क्या है इनमें से, option है आपके पास insurance fees, rent payment, director's fees, या फिर license fees on the product sold, जितना product sale हुआ है उस पर license fee pay करना। अब आपको बताना है यहाँ पे इनमें से कौन सी fixed cost नहीं है।
तो पहले तो आपको पता होना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है, राइट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जिसका प्रोडक्शन से कोई भी लेना देना नहीं होता। इनका मतलब कहने का क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें, कम करें या ज़्यादा करें, फिक्स कॉस्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो वो आपको कॉस्ट यहाँ पे फाइंड करनी है जिसका प्रोडक्शन से इम्पैक्ट हो रही है जो कॉस्ट, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इंश्योरेंस फी है, इसका भी प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। रेंट पेमेंट, अगर आपने कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है तो उसमें चाहे आपका प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको रेंट पे करना ही पड़ेगा, राइट। डायरेक्टर्स फीस भी, आपको सिटिंग की फीस उनको देनी ही पड़ेगी कि आपकी फैक्ट्री में काम चल रहा है या नहीं चल रहा, इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो लाइसेंस फीस है ऑन अ प्रोडक्ट सोल्ड, जितना प्रोडक्ट आप सेल करेंगे उस पर जो फी पे करनी पड़ रही है आपको, ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम रिगार्डलेस द प्रोडक्शन आउटपुट। आप कितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं इससे फिक्स कॉस्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसमें क्या क्या आ जाता है, बेसिकली लीज पे अगर आपने कोई आइटम लिया हुआ है, आप रेंट पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ -4, -3, 0, 3 and 4 इज, इन सभी की एवरेज वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस है -1, 2, 3 and 4, तो आपको अपना करेक्ट ऑप्शन यहाँ से चूज करना है। ओके, तो एवरेज कैसे निकालते हो आप, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं इन सबको हमें ऐड करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमें डिवाइड करना है। आप देखो इन सबको आप ऐड करोगे, -4, +-3, +0, +3 and +4 अपॉन में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये 1, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमें 5 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। आप देखो यहाँ पे -4 से ये +4 कैंसिल हो जाएगा, -3 से ये +3 कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 0, और अपॉन में क्या है, 5। तो 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो हमारा आंसर क्या आता है, 0, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आर ₹42,000 एंड अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज 5,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है 42,000 एंड डेप्रिशिएशन दिया हुआ है हमें 5,000, और पूछ रहे हैं नेट प्रॉफिट कितना होगा। ऑप्शन है आपके पास 37,000, 42,000, 47,000 या फिर कैन नॉट बी कंप्यूटेड। तो देखो हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, मतलब कि इसमें से अभी तक इन्होंने डेप्रिशिएशन माइनस नहीं किया है, तो इसमें से जब आप डेप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो 42 में से आप 5,000 को माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 37,000, राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 37,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिल डिस्काउंटेड विद अ बैंक, मतलब आपके पास कोई बिल है या फिर बिल रिसीवेबल जिसको आप बोल सकते हो, उसको आपने डिस्काउंट कराया बैंक से, तो वो एक किस टाइप की लायबिलिटी होगी, कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी, करंट लायबिलिटी होगी, करंट एसेट होगी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन चूज करना है, बिल था आपके पास उसको आपने डिस्काउंट करा लिया है बैंक से, ये चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंटिंजेंट लायबिलिटी। इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो जो बिल होता है हमारे पास, BR है ना, बिल रिसीवेबल, उसको हम बोलते हैं करंट एसेट होता है वो हमारे, ठीक है। लेकिन जब आपके पास वो बिल था उसको आपने डिस्काउंट करा लिया बैंक से, अब बैंक ने उस बिल के बदले आपको पैसा दे दिया, राइट। तो एक तरीके से आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, आपको बैंक को पैसा पे करना है, तो वो किस टाइप की लायबिलिटी है, यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, या फिर इनमें से वो कोई भी लायबिलिटी नहीं है। यहाँ पे पैसा जो है वो आपको पे नहीं करना, राइट। पैसा क्या था, आपके पास बिल पड़ा हुआ है, तो वो पैसे कौन पे करेगा, प्रॉमिस किया हुआ है ना किसी सामने वाली पार्टी ने कि वो उस बिल के बदले आपको वो पैसा पे करेगा, राइट। लेकिन आपने उसको बैंक से डिस्काउंट करा ले, तो वो क्या होगी, आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी, क्योंकि इनकेस अगर जो थर्ड पार्टी है उसने पैसा पे नहीं करा बैंक को टाइम से, तो वो लायबिलिटी इन फ्यूचर अराइज हो सकती है, अभी नहीं है वो आपकी लायबिलिटी, लेकिन इन फ्यूचर वो अराइज हो सकती है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी बोल देंगे, और ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
थोड़ा सा लिखा है मैंने यहाँ पे, लाइबिलिटी फॉर द बिल डिस्काउंटेड इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती क्या, इट इज अ पोटेंशियल लाइबिलिटी दैट मे अकर डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर। और ये लाइबिलिटी आपकी तभी अकर होगी जब सामने वाली पार्टी आपका पैसा टाइम पे नहीं करेगी, मतलब जो बिल है आपका वो हो जाएगा डिसऑनर, उस केस में ही आपकी ये लाइबिलिटी अराइज होगी, अदरवाइज नहीं होगी, इसलिए ये हो गई हमारी कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन एवर डाटा डील्स विद द स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम देन द बेस्ट एवरेज इज, जब आपका जो डाटा है वो स्पीड से डिस्टेंस से या टाइम से डील करता है, मतलब कि आप ये सारी चीज़ें जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो कौन सा डाटा बेस्ट होता है, कौन सा एवरेज निकालना बेस्ट होता है, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन या फिर हार्मोनिक मीन। तो फटाफट से अपना ऑप्शन चूज कीजिए। तो यस, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हार्मोनिक मीन, क्योंकि देखो यहाँ पे बात हो रही है स्पीड डिस्टेंस या टाइम की, और ये सारी चीज़ें ही क्या होती है, हमारे रेशियोज होते हैं, क्या होते हैं, रेशियो होते हैं। जब आप स्पीड निकालते हो तो ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि डिस्टेंस एंड टाइम का रेशियो है, और ऐसा रेशियो जिनकी यूनिट भी क्या है, अलग है ना। डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर या किलोमीटर में होगा, टाइम क्या होगा, आर या सेकंड में होगा, है ना, या मिनट में होगा। तो इनकी यूनिट भी अलग है, और आप रेशियो निकालने की जब कोशिश करते हो तो उसको हम किससे कैलकुलेट करते हैं, हार्मोनिक मीन, वहाँ पे बेस्ट सूटेड एवरेज होता है। या फिर आप डिस्टेंस निकालोगे तो ये भी क्या होगा, आपका स्पीड इनटू में टाइम हो जाएगा, ठीक है। टाइम निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करते हैं अलग अलग रेशियोज़ के थ्रू, तो उसको हम किससे कैलकुलेट करते हैं, हार्मोनिक मीन से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे हार्मोनिक मीन। अब इन सभी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो तीन मीन होते हैं बेसिकली आपके, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन जो होता है ना, ये सबसे सिंपल मीन होता है, जब आपको एक ही यूनिट में सेम यूनिट की वैल्यूज़ दी होती है ना, लाइक आपको मार्क्स ही दिए हुए हैं किसी स्टूडेंट के, या फिर ऑफिस से घर की जो है डिस्टेंस दी हुई है आपके एम्प्लॉयज़ की, तो वहाँ पे एक ही चीज़ दी हुई है, या सारी चीज़ आपको मार्क्स में दी हुई है, या अगर हम डिस्टेंस वाली बात लें तो आपको किलोमीटर में दी हुई है, यूनिट क्या है सबकी सेम है। उस टाइम पे हम क्या चूज़ करते हैं अपना एवरेज निकालने के लिए, अरिथमेटिक मीन से निकालना बेटर होता है वहाँ पे, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक मीन कब कैलकुलेट किया जाता है, जब आपके पास यूनिट्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स की होती हैं, ठीक है, मतलब जो आपकी मेजरमेंट होती है, वो वैल्यूज़ होती हैं, वो डिफरेंट यूनिट्स की होती हैं। लाइक जैसे आप रिटर्न निकालते हो, इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो वहाँ पे आपके पास परसेंटेज भी आ जाता है ना, जो आपके पास रेट ऑफ रिटर्न होता है वो किस में दिया होता है, हमें परसेंटेज में दिया होता है, राइट। तो उस केस में जब भी रिटर्न की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है, या प्रोडक्शन की बात आती है, सेल्स की बात आती है, उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, तो उस केस में हम क्या निकालते हैं, हमेशा हमारा ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। अब आप इनके फॉर्मूलाज भी देख लेना, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, या फिर कैलकुलेट करने को दे देगा आपको कि ज्योमेट्रिक मीन निकालो इस जो आपको मेजरमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। अब जो हार्मोनिक मीन था, अभी हमने पढ़ा कि अप्रोप्रिएट इफ द वैल्यूज आर इन द रेशियो ऑफ द टू वेरिएबल विद द डिफरेंट मेजर्स कॉल द रेट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आप डिस्टेंस अपॉन में टाइम करोगे, तो रेशियो हो गया वहाँ पे, प्लस उनके यूनिट्स भी क्या है, अलग अलग है, तो वहाँ पे आप स्पीड की क्या निकालते हो, किस रेट से स्पीड है आपकी, जो आपकी स्पीड है उसकी रेट क्या है, राइट। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं। अब ये टेबल है यहाँ पे, थोड़ा सा देख लेना क्या क्या चीज़ें किस में यूज़ होती हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फर्म विच मेक्स बोट हैज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹2,60,000, एक फर्म है बोट्स बनाती है जिसकी फिक्स कॉस्ट आती है ₹2,60,000 पर मंथ, ओके। द प्रोडक्ट सेल फॉर ₹35,000 पर बोट, मतलब एक बोट को ये लोग सेल करते हैं कितने रुपए में, 35,000 में, एंड द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹15,000, और एक बोट की जो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आती है वो इनको 15,000 आती है। द बोट यार्ड कैन बी मैन्युफैक्चर 20 boats ईच मंथ, और इनकी जो कैपेसिटी है बोट बनाने की वो है 20, एक मंथ में ये 20 boats बना सकते हैं। वट इज़ द फर्म्स ब्रेक इवन आउटपुट, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा इस फर्म का, आपके पास ऑप्शंस है, कैन नॉट बी वर्कड आउट ऑफ द डाटा, मतलब जितना भी हमें डाटा दिया हुआ है सफिशिएंट नहीं है और हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते यहाँ पे, या फिर 13 boats, या फिर ₹45,000, या फिर 20 boats। अब आपको यहाँ पे अपना ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, और इसके लिए आपको पता होना चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट
होता क्या है, राइट। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो रिवेन्यू के इक्वल होती है, मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होती है आपकी, उसको बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। तो कितनी बोट इस फर्म को बनानी चाहिए कि उसको ना प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, तो ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि जिसको हम बीईपी भी बोल देते हैं, बीईपी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, या फिर आप इसको लिख सकते हो कंट्रीब्यूशन को एक और तरीके से, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, पर यूनिट की बात हो रही है यहाँ पे कि एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितना और उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी, और कंट्रीब्यूशन की भी बात यहाँ पे क्या हो रही थी आपकी, पर यूनिट की हो रही थी। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया यहाँ से कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अब यहाँ पे अपना अमाउंट कैलकुलेट करो, देखो फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है हमें, 260,000। ठीक है, तो 260,000, एक मिनट, ये 60,000 है ओके, अपॉन में सेल्स, सेल्स कितने रुपीस की है हमारी, 35,000 पर यूनिट की ही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 35,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 15,000 ओके, तो ऊपर कितना है आपका 260,000, और 35,000 में से जब आप माइनस करोगे 15,000 तो नीचे कितना आ जाएगा आपका, 20,000। अब आप जब 260,000 को 20,000 से डिवाइड करोगे तो वहाँ पे आएगा आपका निकल के 13, यानी कि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन के लिए 13 बोट्स बनाने चाहिए, और उससे ऊपर हम जितनी भी बोट्स बनाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा ओके। तो हमारा बी ई पी यहाँ पे आ गया 13 बोट्स। अब कभी कभी ये अमाउंट में कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट में कैलकुलेट करने में भी कोई भी यहाँ पे अलग से कुछ नहीं करना होता, जो भी आपका बीईपी, अभी देखो हमारा यूनिट्स में आया, मैंने 13 बोर्ड्स हमारा आंसर आएगा इस केस में। ठीक है, तो ये किस में आया, यूनिट्स में। अब जब यूनिट्स में आया उसको जब आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हो ना, एक यूनिट के सेलिंग प्राइस से जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो अमाउंट में आ जाता है। तो अगर मैं इस 13 को इस 35,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो हमारा बीईपी आ जाएगा इन अमाउंट, और इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला है, इन यूनिट्स निकाला है ओके। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने, द ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एट विच द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल द रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट, जहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल होती है उसी को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि इस सिचुएशन में ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी पढ़ लेते हैं, देखो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक होता है हमारा सेल्स, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है सेल्स, इसमें से जब हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आता है, क्या निकल के आता है, कंट्रीब्यूशन। अगर सेल्स अमाउंट में है आपकी, मतलब टोटल सेल्स दी हुई है आपको, तो उसमें से आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो तो क्या हो जाएगा, वो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अगर ये पर यूनिट की है तो सेल्स में से आप पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल के आ जाता है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन जो अमाउंट में आता है उसको हम यहाँ पे लेते हैं, और उसमें से अगर हम जितनी भी फिक्स कॉस्ट है हमारी उसको हम माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के आता है, प्रॉफिट निकल के आता है ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दें तो ये आता है प्रॉफिट। और जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे इसको पर यूनिट ना लेके अमाउंट में लेते हैं। ठीक है, टोटल सेल कितनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाता है हमारा, फिर उसमें से हम फिक्स कॉस्ट टोटल माइनस कर देते हैं तो टोटल प्रॉफिट आ जाता है हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो सीवीपी एनालिसिस होता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, कि आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ ली जाती हैं ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरिम डिविडेंड इज शोन, जो इंटरिम डिविडेंड है वो कहाँ पे शो किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, या फिर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो अब यहाँ पे आपको इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखो यहाँ पे डिविडेंड की बात हो रही है ना, तो डिविडेंड कब दिया जाता है, जब आपके पास प्रॉफिट होता है, जब आपके पास क्या होता है, प्रॉफिट होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक चार्ज नेचर की चीज़ होती है और एक एप्रोप्रिएशन नेचर की चीज़ होती है। ठीक है, तो कुछ जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो चार्ज नेचर के होते हैं। चार्ज नेचर का मतलब क्या है, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो वो आपको बियर करने ही पड़ेंगे। लाइक कमीशन है अगर,
कमीशन पे करना है आपको, तो चाहे प्रॉफिट हो या ना हो आपको वो पे करना ही पड़ेगा अगर सेल्स पे आपको कमीशन पे करना है तो, ठीक है। लेकिन जो डिविडेंड होता है वो हमारा अप्रोप्रिएशन नेचर का होता है, अप्रोप्रिएट नेचर का होता है, क्योंकि जब प्रॉफिट होगा तभी हम उसको पे करेंगे। तो जो चीज़ें हमें बियर करनी ही करनी है, वेदर प्रॉफिट हो या ना हो, वो हमारी चार्ज नेचर की होती हैं। लेकिन वो एक्सपेंसेस जो हम तभी बियर करेंगे जब हमारा प्रॉफिट होगा, तो वो क्या होती है, अप्रोप्रिएट नेचर की होती है, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड की अगर बात हो रही, तो डिविडेंड क्या होता है, अप्रोप्रिएट नेचर का होता है, क्योंकि जब प्रॉफिट होगा तभी तो आप डिविडेंड पे करोगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप डिविडेंड पे नहीं करोगे। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ से इसका आंसर पता चल गया कि ये किस नेचर का होता है, अप्रोप्रिएशन नेचर का होता है, और ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। एसेट साइड तो नहीं जाएगा, कोई एसेट तो नहीं होती है जो हमें डिविडेंड पे करना होता है। ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, अभी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट भी क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड की आप पेमेंट कर चुके हो, अगर इसके हमने पेमेंट नहीं करी होती, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड का मतलब ही यही है कि जो डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है उससे पहले आप कुछ पार्ट जो है डिविडेंड का वो पे कर देते हो, पहले ही पे कर देते हो, ठीक है। तो ये लायबिलिटी भी नहीं हुआ हमारे, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होते, क्योंकि मैंने बता दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो चीज़ें जाती हैं जो चार्ज नेचर की होती है। तो ये कहाँ पे चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ओके। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, एन इंटरिम डिविडेंड इज डिविडेंड पेमेंट मेड बिफोर अ कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग, या फिर हम बोल सकते हैं जो कंपनी की दो जनरल मीटिंग के बीच में ही डिविडेंड पे कर दिया जाता है उसको बोलते हैं हम इंटरिम डिविडेंड, या फिर एनुअल जनरल मीटिंग से पहले ही जो डिविडेंड पे कर दिया जाता है उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। एंड द रिलीज ऑफ द फाइनल फाइनेंशियल असेट्स, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब यही है कि एनुअल जनरल मीटिंग से पहले और जो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है हमारी उससे पहले जो हम डिविडेंड पे कर देते हैं वो होता है हमारा इंटरिम डिविडेंड। और इंटरिम डिविडेंड लाइक द फाइनल डिविडेंड, जैसे फाइनल डिविडेंड होता है ना अप्रोप्रिएशन नेचर का, कि जब प्रॉफिट होगा उसी केस में वो पे किया जाएगा, तो इंटरिम डिविडेंड भी आपका अप्रोप्रिएशन के नेचर का ही होता है, और ये जाता है डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, अ माइनर्स इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द गार्जियन असेसीज इनकम इफ इट इज माइनर की इनकम, किस केस में इंक्लूड की जाती है गार्जियन असेसी की इनकम में। जब ऑप्शन है हमारे पास, जब वो एक्सीड हो 1500 रुपीज से, या फिर 1500 रुपए हो, या फिर माइनर्स होल इनकम, मतलब पूरी जितनी भी इनकम है माइनर की उसको हम इंक्लूड ही कर लेंगे चाहे वो कितनी भी हो, या फिर माइनर्स होल इनकम विल बी एग्जेम्प्टेड, या फिर माइनर की इनकम कितनी भी हो वो हमेशा एग्जेम्प्टेड रहती है। तो आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो होगा एक्सीड्स रुपीज 1500, ठीक है। तो जो माइनर की इनकम होती है, अब देखो माइनर कौन है, जिसकी एज अभी 18 ईयर नहीं हुई है, 18 साल से जो छोटा है वो हमारे लिए माइनर हो गया, ठीक है। अब अगर कोई माइनर है उसकी कोई इनकम हो रही है किसी भी सोर्स से, सपोज उन्होंने कोई सेविंग अकाउंट है या फिक्स डिपॉजिट है उनका, उस पर उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो माइनर की इनकम होगी। अब वो सिर्फ उसी केस में गार्जियन की इनकम में इंक्लूड की जाएगी, क्लब की जाएगी, जिस केस में माइनर की इनकम जो है 1500 रुपये से ज़्यादा होगी। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। हम यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, पर्सन अंडर एज ऑफ 18 इज कंसिडर एज अ माइनर, माइनर कैन अर्न इनकम फ्रॉम सेविंग इन अ बैंक अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट या फिर अदर इन्वेस्टमेंट मेड इन देयर नेम बाय देयर पेरेंट्स, ठीक है। मतलब कि अगर उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस पर उसको इंटरेस्ट वगैरह या कोई भी इनकम अराइज हो रही है वहाँ से, तो वो माइनर की इनकम कहलाती है। द माइनर्स इनकम डज नॉट गेट एडिड टू द पेरेंट्स इनकम इफ द माइनर्स इनकम इज लेस देन 1500, मतलब अगर 1500 रुपये से कम है तो वो पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं की जाती, इंक्लूड नहीं की जाती। द पेरेंट्स कैन क्लेम एन एग्जेम्पशन ऑफ 1500 फॉर ईच माइनर चाइल्ड हुज इनकम इज क्लब्ड, और ऐसा भी कोई फिक्स नहीं है कि आपको ये जो एग्जेम्पशन है वो एक माइनर चाइल्ड पे मिलेगी या दो माइनर चाइल्ड पे मिलेगी, जितने भी आपके माइनर चाइल्ड हैं उसके लिए आप ये 1500 तक रुपए की एग्जेम्पशन ले सकते हो हर एक चाइल्ड के लिए, ओके। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इफ़ बोथ द मदर एंड फादर आर अर्निंग, अब माता पिता दोनों ही कमाते हैं, तो सवाल ये आता है कि वो मदर की इनकम में इंक्लूड की जाएगी या फादर की इनकम में इंक्लूड की जाएगी।
देन द इनकम ऑफ द माइनर इज एडेड टू द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हुज इनकम इज ग्रेटर. तो जिस भी पेरेंट की इनकम, चाहे वो मदर हो या फादर हो, जिनकी भी इनकम ज़्यादा होगी उसके में वो माइनर की इनकम को इंक्लूड कर लिया जाएगा, वो भी कब, जब वो 1500 रुपये से ज़्यादा होगी. ओके अब यहाँ पे इफ द पेरेंट्स आर डाइवोर्स, अगर पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया है तो किसकी इनकम में इंक्लूड की जाएगी, देन द माइनर्स इनकम इज एडेड टू द पेरेंट्स इनकम हु हैज़ द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड. तो उस केस में ये नहीं देखा जाएगा किसकी इनकम ज़्यादा है, उस केस में ये देखा जाएगा कि जो माइनर है उसकी कस्टडी किसके पास है, मदर के पास है या फादर के पास है. जिसके भी पास कस्टडी होगी उसके साथ उसकी इनकम को क्लब कर दिया जाएगा, वो भी तब जब वो 1500 रुपये से ज़्यादा होगी. 1500 से कम है तो वो किसी की भी इनकम में क्लब नहीं की जाएगी. ठीक है, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे. तो आई होप जितना भी हमने आज डिस्कस किया है वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करा करो, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा करो, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं. अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपकी तैयारी स्मूथली चलती रहे और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.